हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक ऑयल एंड गैस सेक्टर की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा, जीरो डेट फ्री कंपनी है भाई ये कंपनी। आने वाले समय में निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। मैं खुद भी इस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ, तो आप लोग भी इस कंपनी में मंथली SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। मेरे बताए हुए स्टॉक में अगर आप भाई पैसा लगाते हो तो मंदी के मार्केट में पैसा बनाओगे और तेजी के मार्केट में पैसा बनाओगे। आप लोग का भाई पैसा बन रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। बेल बटन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल बटन में प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 2017 में था वो 1948.63 था मार्च 2017 में, और मार्च 2019 में देख लो भाई 3051.08 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, हाफ ईयरली 1948 से 3051 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 टोटल इनकम था वो 1984.75 था मार्च 2017 में, और मार्च 2019 में देख लो 3142.69 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 459.22 था मार्च 2015 में, और मार्च 2019 में देख लो 649.06 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, हाफ ईयरली 459 से 649 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो एबिटा था वो 495.34 था मार्च 2017 में, और मार्च 2019 में देख लो भाई 740.67 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है। मैं जितनी तारीफ हूँ फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 248.88 था मार्च 2017 में, और मार्च 2019 में देख लो 423.49 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है। हाफ ईयरली 278 से 423 हो चुका है। पैट देख लो भाई, पैट भी इसका शानदार है। हाफ ईयरली मार्च 2017 में जो पैट था वो 278.88 था मार्च 2017 में, और मार्च 2019 में देख लो 423.49 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका रिपोर्टेड पैट है, हाफ ईयरली 278 से 423 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप लोग ने खुद देखा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ। पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे भाई, तो देखो नेट सेल टर्नओवर मार्च 2015 में था वो 3680.99 था मार्च 2015 में, और मार्च 2019 में देख लो भाई 5764.84 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है, ईयर टू ईयर भाई 3680 से 5764 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 2015 में टोटल इनकम था वो 3715.53 था मार्च 2015 में, और मार्च 2019 में देख लो 5910.99 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है। ईयर टू ईयर वाइज मार्च 2015 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 793.04 था मार्च 2015 में, और मार्च 2019 में देख लो भाई 1256.98 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईयर टू ईयर वाइज
793 से 1256 हो चुका है। एविटा देख लो भाई, एविटा भी इसका शानदार ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो एविटा था वो 827.58 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1403.13 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एविटा है ईयर टीयर वाइज, 827 से 1403 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एविटा ईयर टीयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर में इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 437.73 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 786.67 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टीयर वाइज, 437 से 786 हो चुका है। पैट देख लो भाई, पैट भी इसका शानदार है ईयर टीयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 437.73 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 786.67 हो चुका है। तो भैया आप सभी लोग इस कंपनी में मंथली SIP कीजिए, बेहतरीन कंपनी है भाई, क्वालिटी कंपनी है जो आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी में आपका पैसा सेफ रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, जीरो डेट फ्री कंपनी है, पैसा लगाते जाइए। मैं खुद भी इस कंपनी में पैसा लगाता हूँ। IGL का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। इस कंपनी का जो भाई बिजनेस है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है भाई। दो सरकारी कंपनी इसके प्रमोटर हैं, BPCL और गेल। पहले भी मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं भाई बहुत पहले से इस कंपनी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को पता होगा ही। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आप लोग इस कंपनी को खरीदिए खरीदिए, फिर भी आपके पोर्टफोलियो में IGL का शेयर नहीं है, HUL का शेयर नहीं है। तो भैया क्वालिटी कंपनी क्यों नहीं खरीदना चाहते हो आप लोग? तो खरीदिए सब कंपनी को, मल्टी वैगर स्टॉक है, आराम से आपको 40-45% का रिटर्न मिल जाएगा ईयरली। मेरे पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप 10-15 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो बनाइए, मैं तो बोलूँगा आप 10 ही स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए। मेरे को भाई एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इतना सारा स्टॉक खरीद के रखा हूँ, लेकिन आप लोग मत खरीदिए। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई कि मैं कौन सी कंपनी में SIP करता हूँ। मैं भाई IGL में SIP करता हूँ, बजाज फाइनेंस में SIP करता हूँ, HDFC बैंक में SIP करता हूँ, HDFC AMC में SIP करता हूँ, और भी कंपनी है भाई जिसमें मैं SIP करता हूँ, लेकिन जिस कंपनी का मैं अभी नाम लिया हूँ उसी कंपनी में आप लोग पैसा लगाइए और लंबे समय तक पैसा लगाइए। आलतू फालतू कंपनी खरीद के भाई कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे पोर्टफोलियो कॉपी पेस्ट मत किया कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को। क्योंकि लास्ट बार जब मैं वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने मेरे मेरे पोर्टफोलियो देख के स्टॉक खरीद लिया था। IGL अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और आने वाले 10 साल में इससे ज़्यादा भी रिटर्न बना के देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 1098.07% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। 10 साल में स्टॉक 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। सेंसो का रिटर्न है वो 126.82% रिटर्न है। 3 साल में देख लो भाई, 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है IGL ने, देख सकते हो 127.46% रन है। सेंसो का रिटर्न है 40.10% रन है। मुझे भाई IGL में 3 साल में इससे ज़्यादा रिटर्न मिला है, क्योंकि मैं इस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ। SIP के थ्रू भाई अगर आप पैसा लगाते हो तो आपको हमेशा ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आप मंदी के मार्केट में पैसा लगाते हो। 1 ईयर में देख लो भाई, 1 ईयर में 57.01% रन है। सेंसो का रिटर्न है 12.99% रन है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में रिटर्न है वो 42.06% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है वो 8.96% रिटर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 42% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में 14.27% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 7.48% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में 1.99% रिटर्न है। सेंसो का रिटर्न है 3.07% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 2.32% रन है। सेंसो का रिटर्न है 0.63% रन है। तो भैया आप सभी लोग IGL को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। मंथली SIP करना चाहते हो तो मंथली भी SIP कर सकते हो, जो करना है करो भाई, लेकिन इस कंपनी में पैसा लगाओ, ये क्वालिटी कंपनी है, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, खरीदिए सब कंपनी को। बहुत सारे छोटे निवेशक मुझे कमेंट करते हैं कि पेनी स्टॉक बताइए, पेनी स्टॉक बताइए। तो देखो भाई, पेनी स्टॉक में आपका पैसा बनेगा नहीं, फालतू में आप पैसा पेनी स्टॉक में लगाते हो, उससे अच्छा है कि आप IGL में पैसा लगाओ, यह भी तो छोटा ही स्टॉक है ना, अब बढ़िया कंपनी है, कोई ख़राब कंपनी नहीं है भाई।
आराम से आपको 40-45% रिटर्न बना के दे देगा। और ये सब ऐसा स्टॉक है जो आपको मंदी में भी रिटर्न बना के देगा। खरीदते जाइए सब कंपनी को। मैं ऐसे ही भाई मंथली SIP नहीं कर रहा हूँ इस कंपनी में, कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। और मैं जिस कंपनी में मंथली SIP करता हूँ उसमें अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बनेगा ही। IGL का अब मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ तो देखो भाई, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 45% होल्डिंग है। इसमें से भाई BPCL का जो होल्डिंग है वो 22.5% होल्डिंग है और गेल का भी 22.5% होल्डिंग है। दोनों को प्लस करोगे तो 45% हो जाएगा। FIS का जो होल्डिंग है भाई IGL में वो 23.83% होल्डिंग है। अच्छा खासा भाई IGL में FIS की होल्डिंग है और आने वाले समय में और भी होल्डिंग बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है भाई। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है 7.13% होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है IGL में 8.69% होल्डिंग है। अदर डे पर जो होल्डिंग है IGL में 5.06% होल्डिंग है। नॉन इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है IGL में 10.29% होल्डिंग है। कोई भी शेयर IGL का भाई प्लेस दिए जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। LIC के पास जो होल्डिंग है वो 7.6% होल्डिंग है। तो भैया इस कंपनी पे LIC भी भरोसा करता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है IGL में 5.24% होल्डिंग है। वैल्यूएशन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ IGL का पी रेशियो है भाई वो 32.04 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू IGL का 6.43 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है भाई IGL का वो 0.33% का डिविडेंड यील्ड है जो कि फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है। ROC रेट देख लो बहुत ज़बरदस्त है भाई, 46.99% का ROC रेट है। ROE देख लो 20.08% का। तो भैया मुझे इसका डिविडेंड यील्ड ROC ROE बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए। वैल्यूएशन देख लो भाई वेरी एक्सपेंसिव बता रहा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ये स्टॉक अभी मिट्टी के भाव में रहा है। आप लोग खरीदिए, क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है, जीरो डेट फ्री कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है। खरीद के रख लीजिए, जितना खरीदना चाहते हो उतना खरीदिए इस कंपनी को। यही सब कंपनी आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है। खरीदते जाइए इस कंपनी को। क्वांटिटी में खरीदना है तो सबसे अच्छी कंपनी मुझे लगती है IGL, बर्जर पेंट, रिलैक्सो फुटवेयर, ये सब क्वालिटी कंपनी है भाई। भर भर के खरीदते जाओ, आपका पैसा तो बनेगा ही और जो आपका सपना है वो भी पूरा हो सकता है। इसलिए मैं लिखा हूँ कि मिट्टी के भाव मिल रहा है। वैल्यूशन वाइज तो मुझे भी पता है ये बहुत एक्सपेंसिव है। IGL का अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा वो 114 से 121 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा जो कि फ्रेंड कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ IGL का, गुड बता रहा है। सेल्स ग्रो जो 5 ईयर का है वो 9.25% का है। एविड ग्रो जो 5 ईयर का है वो 13.16% का है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस टाइप से IGL रिटर्न बना के दिया। तो देखो 10 साल में 1,058% आने, 5 साल में 360% आने, 3 साल में 127% आने, 1 ईयर में 57% आने, ईयर टू डेट में 42% आने, 1 मंथ में 14% आने, 1 वीक में 2% आने। तो देख सकते हो भाई ये कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, मैं खुद भी इस कंपनी में पैसा लगाता हूँ। IGL का 52 वीक हाई है वो 381.20 रुपया, 52 वीक लो है 232.40 रुपया। IGL का मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा मार्केट कैप है, 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले समय में इस कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ का भी होगा, 50,000 करोड़ का भी होगा, 1 लाख करोड़ का भी होगा और भैया 5 लाख करोड़ का भी होगा। तो आप लोग अभी से पैसा लगा कर रखिए। क्वालिटी कंपनी है, जीरो डेट फ्री कंपनी है, यही सब कंपनी भाई आपका पैसा बनेगा। IGL का जो भाई पी है वो 32.08 का पी है। इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 35.53 का। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले IGL का पी कम है। बुक वैल्यू जो है IGL का 59 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर से देख लो 11.84 का अर्निंग पर से है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया है IGL का, 0.63% का डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू 2 का है। तो भैया आप सभी लोग IGL को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। ये क्वालिटी कंपनी है भाई जो आने वाले समय में आपको कई गुना रिटर्न बना के दे सकता है। और यही सब कंपनी भाई आपको रिटर्न भी बनेगा। जीरो डेट फ्री कंपनी है। BPCL और गेल इस कंपनी के भाई प्रमोटर हैं तो कभी प्रमोटर तरफ से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दिल खोल कर पैसा लगाते जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाकर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।